रहीम असल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जूलाजिस पख्तावर आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है लोको मोशन इन स्टार फिश दूसरो जो लोकोमोशन थे उनके बारे में मैंने बताया आपको आज का जो हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये रही स्टारफिश इंट्रोडक्शन इन स्टारफिश लोकोमोशन इज़ कंट्रोल्ड बाय अ स्पेशल वाटर वास्कुलर सिस्टम या स्टारफिश में जो लोकोमोशन होती है वो कंट्रोल होता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो तो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ जैसे कि दूसरों में मसल्स स्केल्टन जैसे वर्क कर करते हैं वैसे ही स्टारफिश का जो लोकोमोशन है वो कंट्रोल होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम से वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है और नेटवर्क ऑफ फ्लूड फील्ड कैनाल्स ऐसा नेटवर्क जो पूरे मतलब स्टारफिश की जो बॉडी है जो भी है उसमें जो है पूरा ये नेटवर्क फैला हुआ है ऑफ अ फ्लूड फिल कैनाल्स अ नेटवर्क ऑफ फ्लूड फिल कैनाल्स जो कैनाल्स हैं वो फ्लूड फिल मतलब नेटवर्क की तरह तरह जैसे ये कैनाल्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं अब ये यूज फॉर लोकोमोशन उसके लिए लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल होते हैं फूड के लिए एंड वेस्ट के लिए भी रेस्पायरेशन के लिए भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका ये जो है लोकोमोशन फूड वेस्ट रेस्पायरेशन में भी ये यूज़ होता है मतलब हर चीज़ में ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसकी जो ये पूरे uh, जो नेटवर्क फैला हुआ है कैनाल्स का नेटवर्क फैला हुआ है ऐसा नहीं है कि पूरा सिर्फ ऐसे ही नेटवर्क है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है जो चीज़ मतलब लोकोमोशन में यूज़ होती है कैसे लोकोमोशन होती है स्टारफिश में उसमें क्या क्या आ जाता है उसमें स्टोन केनाल होता है रिंग कैनल रेडियल कैनल एम्प्यूला पोडिया ट्यूब फीट ये चीज़ें होती हैं इनके जरिए ही मतलब इन सब को मिलाकर ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनता है ऐसा ही समझें आप ये अलग नहीं है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन छः चीज़ों से बनता है ये सिक्स जो मैंने बताई अभी आपको इनकी वजह से ये लोकोमोशन होती है स्टारफिश में और इन सिक्स को मिलाकर ही हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं अब ये कैनाल्स काम कैसे करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कैनाल था स्टोन कैनाल न वाटर कम्स इन टू दिस्टम ठीक है अब वाटर जो है वो सिस्टम में आया इट इज़ देन सर्कुलेट फ्राम दोन केनाल उसके बाद ये स्टोन केनाल में सर्कुलेट हुआ उसके बाद जाएगा रिंग केनाल में इन टू द रेडियल केनाल उसके बाद जो है वो रेडियल केनाल में जाएगा स्टोन के ना के केनाल उसके बाद वो जाएगा वहाँ सर्कुलेट होगा उसके बाद रिंग केनाल में उसके बाद रेडियल केनाल में रेडियल केनाल्स कैरी वाटर टू द एम्प्यूला पोर्शन ऑफ द ट्यूब फीट उसके बाद रेडियल केनाल रेडियल केनाल से जो है वाटर कैरी होता है एम्प्यूला पोर्शन में यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ ये देखें ये है एक मिनट ये है रिंग के नाल यह है स्टोन के नाल यह है रेडियल के नाल ये है एम्पूला उसके बाद वो सर्कुलेट करके ट्यूब फीट में आ जाता है वाटर आएगा वाटर कहाँ से आएगा वाटर आएगा वाटर आएगा यहाँ से स्टोन के नाल से यहाँ से वाटर यहाँ से वाटर गया ये जो है उसके बाद जो है वाटर गया यहाँ रेडियल ये रिंग के नाम ये पूरी रिंग के नाल है ना ये पूरी रिंग के नाल के आप देख सकते हैं ये ए ये दो ये तीन चार पाँच ये रेडियल के नाल है ये स्टोन के नाल से ये गया इनके अंदर रिंग के नाल के अंदर वाटर उसके बाद आ गया रेडियल के नाल में उसके बाद जो है ये ये एम्प्यूला आप यहाँ से देखें ये एम्प्यूला आप ये वाले ये देख सकते हैं ये एम्प्यूला में आया उसके बाद ये पम्प हो गए यहाँ पर ये ट्यूब फीट जिसे हम पोडियम कहते हैं यहाँ पर आ जाएगा सेम यहाँ यही पिक्चर है यहाँ पर ये देखें ये स्टोन के नाल ये रिंग के नाल ये रेडियल ये ट्यूब फीट ये एम्प्यूला Each tube uh, foot consists of an internal ampulla and external podium. When the ampulla squeezes, it force water into the podium. yahan jaise ki maine ye bataya ye ampulla if ampulla से जैसे इसकीज होगा, तो ये podium में water चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है? The tube feet latch on the surface and move in a wave. फीट जो है वो लेच करेंगे सरफेस पर और वो मूव करेंगी वेव में जो है स्टारफिश फिश विथ वन बॉडी सेक्शन अटैचिंग टू द सरफेस एज अदर रिलीज जैसे ही एक अटैच होगी दूसरी वहाँ से रिलीज करे uh, स्टार फिश जो है रिलीज करे ये देखें ये इसके छोट ये, ये आप ट्यूब फीट इसके देख सकते हैं ये आप इसके ट्यूब फीट ये ये ट्यूब फीट आप इसके देख सकते हैं